आज तो भाई इसने मेरे को मुंह धोते हुए भी देख लिया फेस वॉश से, ये फेस वॉश भी खत्म कर देगा इसको, मैं बिना छुप छुप के फेस वॉश से मुंह धोता था। हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज का जो ब्लॉग है ये कोई राइड का ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये सिर्फ मेरा गांव का ब्लॉग होने वाला है यार, कि मैं गांव में क्या कर रहा हूँ आजकल यार, और गांव में गांव की लाइफ क्या होती है, और मैं गांव में कैसे जी रहा हूँ, और मतलब क्या ही बताऊँ यार गांव में कैसी ज़िंदगी चल रही मेरी। तो उस चीज़ पे ही ब्लॉग बनने वाला है। तो आज मॉर्निंग से रात तक का ब्लॉग है, देखते हैं पूरे आज पूरे दिन भर में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आज वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए यार, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दिस इज़ बायोटेक राइडर, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार आप लोग? यार अभी टाइम 6:21 हो रहा है भाई। क्या आप भी मेरी तरफ सुबह उठ के फ़ोन चलाते हो यार? क्या मेरी तरफ भाई डाटा ही ख़त्म हो गया यार आज का, तो अभी नहीं किया, रात में थोड़ा यूज किया था, वीडियो डाउनलोड में लगाई थी यार, तो डाटा ही ख़त्म हो गया। चलो कोई नहीं। तो यार गाइस अभी 2-3 दिन से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम लोग पता वहाँ जाने के लिए कैसे जाते थे हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाते थे। यहाँ से तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़ तेज़ भाई, हम यहाँ से जाते थे ऐसे, तो यार ऐसे करके हम लोग आते थे ऊपर। ताऊ जी जो है सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए अपना ड्यूटी जाने के लिए। देख रहे हो सुबह सुबह ताई जी का नाश्ता बनने लग गया है, और अभी 6:30 ही हो रहे भाई ये देखो, और गांव में जो है आग में खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और है भाई। तो यार ताई जी कुछ बोलना चाह रही है, ये लो के ना होनी में क्यों होनी है सबाई जी क्या उठाइए और वह नहाए और वह उठने नहीं दिया। तो अरे यार ताई जी कह रही है आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया है, क्योंकि यार दादी जो है बागेश्वर जा रखी है, तो अभी अपने को दूर लेने जाना है, इसलिए सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, वरना दादी जाती थी, वरना मैं तो आराम से 8-9 बजे उठता था, पर आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। अबे भाई देख रहे हो पूरे भारत में दंत क्रांति चल रहा है, तो हम भी दंत क्रांति यूज़ कर रहे हैं। तो यार हम लोग दूसरी टैंकी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, और आपको पता ही हमारे गाँव में पानी बहुत कम आता है, इसलिए भाई बहुत सारी टैंकियाँ हैं, तो पानी बिल्कुल स्टोर करके रखा है हमने। ब्रश करते से करते वॉक भी हो जाती है अपनी आराम से। तो यार ये है अपनी दूसरी टैंकी, इससे हम पानी निकालेंगे, इसमें पानी बहुत है, पहले पत्थर आना पड़ता है, बंदर बंदर आ जाते हैं पानी में घुस जाते हैं। देख रहे कितना पानी है इधर, तो यार गाइस हाथ मुंह भी धो लिया है, और अब सबसे मेन काम जब भी भाई यहाँ से जाना है तो इसको लगा के जाना है भाई ऐसे करके, वरना बंदर आ जाते हैं फिर गाली ही पड़ती घर पे, इसलिए। तो यार गाइस हो गया रेडी, मतलब नहाया नहीं है यार आज, क्योंकि ठंडा हो रहा था, तो अभी दिन में नहाएंगे, गर्म होगा तो तब नहाएंगे, अभी तो ठंडा हो रहा बाहर, और बाहर का मौसम भाई बिल्कुल बारिश वाला हो गया है, तो फिर आके देखते हैं अभी नीचे से, फिर दिन में नहा लेंगे या खाना खा के, या खाना खाने से पहले। तो अभी पहले तो अपने को यार दूध लेने जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि हमारी जो भैंस है वो दूध नहीं दे रही है। तो यार हमारे साथ कमल सिंह भी आने वाले हैं, देख रहे हो तुम भाई, इन्होंने हमारा वैक्स क्या देखा, इन्होंने पूरा वैक्स बालों में रगड़ दिया आपने आज, तो भाई इसने मेरे को मुंह धोते हुए भी देख लिया फेस वॉश से, ये फेस वॉश भी खत्म कर देगा इसको, मैं बिना छुप छुप के फेस वॉश से मुंह धोता था। तभी कोई ना कम कैसे हो गया वो, तो भाई अभी देख रहे हो इसके बाल, भाई इसने पूरा वैक्स खत्म कर दिया मेरा देहरादून से, मैं जब वैक्स लाया था पूरा डब्बा दिखाऊंगा आपको, भाई मैं दिखाता हूँ आपको पहले, दिखाऊंगा क्या मैं दिखाता हूँ पहले, ये देखो भाई। तो यार ताऊ जी नाश्ता करने लग गए हैं ड्यूटी जाने के लिए अब, क्योंकि 7:07 भी पहुँचना पड़ता है उधर। तो यार ताई जी नाश्ता नुश्ता बना के बैठ गए हैं, क्या बोल रहे हैं ताई जी? बोल रही कि जहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी आना दूध लेके, कि वहीं मत बैठ रहे ना। तो यार
ये देखो हमारी परुलिया माँ जो पहले यहाँ पर थी अब देखो यहाँ शिफ्ट हो गई है बिल्कुल। भाई पबजी में रॉयल पास लेके नए नए कपड़े पहन के बैठ गई भाई। तो यार गाइज अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये जितनी भी ये झाड़ी है, कल यहाँ पर एक बाग था और कल मैं बहुत रात को मतलब 6-7 बजे भाई मैं कपड़ा से आया तो हैंडपम्प से हमने पानी भरा और जैसे मैं ऊपर घर पहुँचने वाले थे तो जो हमारे नीचे घर है तो यहाँ हल्ला गुल्ला होने लग गया कि भाई बाघ आ गया पटाखे पुटाखे फोड़ने लग गए। तो भाई कल तो जान बची है, मैंने सोचा भाई 6 बजे के बाद घर से कहीं नहीं जाना। और भाई देखो कितनी सारी झाड़ियाँ और किया इधर, ये सब कटवानी है तो अभी मैं उनसे बात करता हूँ यार, इसको कटवाते हैं सब मिलके क्योंकि यार यहाँ बाघ का बहुत डर है, रोज़ रोज़ बाघ हो रही है यार। तो अभी इसको कटवाते हैं यार, देखो झाड़ियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है यार। तो भाई कल तो लिटरली यार जान बची है, मतलब क्या ही बताऊँ यार, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही थे यहाँ पर, कमल और मैं। कमल तो अकेले हैंडपम्प में पानी भर रहा था, मैं गाड़ी आगे खड़ी करने गया था और बाघ जो है हैंडपम्प के ऊपर ही था। तो यार 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो ये देखो ये जो पेड़ है ऊपर से परसों रात टूटा, रात के 12-1 बजे और सीधे ऊपर छत पर आ गया, तो ये थोड़ा ऊपर छत पर नुकसान हो रखा है। तो अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ये लोग तो बाहर रहते हैं चाचा लोग मेरे, तो पर हम लोग को करवाना पड़ेगा। तभी मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ मैंने दूध लेने जाना था अपने नीचे चाची लोग के यहाँ। ये देखो भाई अंगूर लगे हैं, कच्चे हैं अभी कच्चे हैं यार। दूध ले लिया है और अब भटका झोला बनाएंगे। आज हमने छांस ले रखी है क्योंकि उन्होंने छांस फान रखी थी आज। ये देखो ताईजी जो है सुबह सुबह खेत में चली गई है घास काटने के लिए। कहाँ जा रहे घास काटने खेत में? अच्छा हल जोत रहे हैं। ये कमल को भेजू क्या? कमल बहुत अच्छा हल जोतता है। अच्छा बीज बो रहे तो कमल हल जोत ले। देखो ताऊ जी सुबह सुबह नहा धोके यार तैयार होके बैठ गए हैं और हमारी नई भाभी रोटी बना रही है। देखो नई भाभी को वैसे आदत गैस चूल्हे की है तो आजकल गांव में बिल्कुल लकड़ियां बना रहे, बिल्कुल मोटी मोटी रोटियां। थोड़ा पतली बनाओ भाभी, यह सब मोटी खानी है। तो यार भाभी कह रही है सब मोटी आई रोटी खाते हैं, पतली बनाएंगे तो भाई साहब पतली बनाएंगे तो ये दिन तक यहीं बैठी रह जाएंगी। साकू जय कौन करेगा? साकू जय कौन करेगा? गुड जीते रहो। हाँ अरे वाह, इसको क्यों कर रही है? इसको नहीं करना। तो यार घर पहुंच चुके हैं, एक छोटी सी वॉक होगी अपनी। भाई पैरों की हालत देखो यार, क्योंकि नीचे क्योंकि पानी पानी है, पानी बोले तो यार ये ओस बोलते इसको, घास में पैर धो देते हैं। देखो यार टैंकी अपनी देखो, एक ये टैंकी फिर ये टैंकी फिर ये टैंकी, ऊपर एक थी एक वहाँ। भाई देख रहे हो 5-5 टैंकी क्योंकि पानी बहुत कम आता है यार, तो स्टोर करके रखना पड़ता है। ये देखो ये तो मारे नहीं आने मारने आ रहे हो। देख रहे हो यार बकरी साथ खेलने बहुत मजा आता है। कब तक हम नीचे लेके आएंगे? गुस्सा नहीं, तू भी देगा। देख रहे हो भाई दूध नहीं रहा, खाली मारता है। अच्छा नेक्स्ट मंथ में भाई क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं चुकनी ब्याने वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं पहाड़ी में, पहाड़ियाँ बोलते हैं पहाड़ियाँ को नहीं है ब्याणी वाल सी हो अगिल महड़ में। फिर जब भिगौत खून दूध दे लो। तो यार अब हम जो है थोड़ा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दाने हल और हमारे बैल नहीं यार, तो क्योंकि हमारा बैल देखो ये है, हमारा बैल आ रहा है भाई, ये खींचेगा
अब मैं पीछे से ये लगाऊंगा क्योंकि यार हमारे बैल नहीं है। जब हल वगैरह जोतना होता है तो हम जो हल जोतता है उसको बुलाते हैं क्योंकि उसके बैल वगैरह होते हैं। क्या बोर्ड भैया देखो ऐसे करके करते हैं भाई, तो आगे खींचता अभी तू खींचेगा बैल, तू खींचेगा बैल तू तो देखा आपने क्या बोलते हैं ननिहाल में यार दो बैल थे हीरा मोती और यहाँ देखो देखो यहाँ बैल नहीं है तो देखो बैल है कमल। इस बैल का नाम भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस बैल का नाम क्या रखा है और हमें तो पता ही नहीं इस बैल का नाम यार क्या रखा है। वैसे इस बैल का नाम क्या रखे ये बैल का नाम यहाँ घर तक आवाज आती थी वहाँ हल धोते थे यार। ये देखो अरे बिनु देखो कैसे बल्द पर बल्द पर पलटा है अभी ताई जी ने यार ये वाला बल्द बड़ा खतरनाक है यार। हाँ हाँ अरे चुप जा पूछ इसकी पूछ नहीं है बस कीचड़ नहीं फेंकेगा भाई यहाँ पानी नहीं है। अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है क्योंकि भाभी अभी मैक्रोनी बना रही है तो अभी थोड़ी देर में करेंगे। इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती यार अभी तो। अभी टाइम पता कितना हो रहा है मैं देखता हूँ, मेरे को भी नहीं पता है भाई। टाइम 7:39 हो रहा है यार। देख रहे हो हमारी भाभी ये क्या बोलते हैं इनको थाप बोलते हैं ऐसे वहाँ पर फेंकेंगी। तो यार गाइस नीचे खेत से आ गए तो हम गाइस नाश्ता करते हैं अभी और फिर नाश्ता करके मिलते हैं इनको। तो यार गाइस नाश्ता कर लिया है तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे। तो अब रूम पे बैठ के भाई क्या ही करेंगे, बस थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करते हैं। तो यार गाइस 12:30 बज चुका है और ये मेरे पापा है। अच्छा मैं शब्द दिया जानी भैया। हाँ सब कुछ आता है इसमें और 12:30 बज चुका है, खाना खाने चलते हैं। कुछ बोले तुम स्कूटर में परफ्यूम इशू को लगाए थे आगे। हाँ ये स्कूटर में लगा रखा था मैंने। समस्त सीनरी आ जाएगी। हाँ समस्त सीनरी जितनी भी है जितनी प्राकृतिक दृश्य है वो सब हमको इस छोटे से कैमरे में देखने को मिलता है। यस 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 यू आर राइट। तो यार गाइस खाना बन गया तो खाना खाने चलते हैं और अभी 12:30 बज चुका है यार। पक गया? ये देखो भाई बन रही है हमारी कड़ी। कड़ी बोले तो झोली और झोली बोले तो कड़ी और ये अपना भटका झोला सैलेड एंड ये देखो कुक। अरे हम पे गैस भी है देखो भात। ऐसा नहीं कि हम चूल्हे बनाते हैं भाई, गैस में ही बनाते हैं। गैस से भात बना रखा है। ये हमारा छोटा सा किचन है यार, हम जब पूरी फैमिली आती तो सबके सब यहीं बैठ के खा लेते हैं। पता नहीं कैसे आ जाते पर आ जाते हैं। तो यार गाइस खाना भी खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया यार, अभी ज़्यादा हैवी हो गया है तो अब थोड़ी देर सोएंगे। और ये देखो यार आज तो पानी भी आने लग गया भाई इधर, अब हमारी टैंकी वगैरह भर जाएंगी, हम दोबारा स्टोर कर लेंगे पानी। पानी अभी तो बहुत तेज आ रहा है यार। ऐसा भी नहीं पानी आता ही नहीं, आता है टाइम पर आता है, टाइमिंग होती पानी की। आज पता नहीं ये कौन सी टाइमिंग है भाई पानी की। तो यार पानी आ रहा है तो अभी हम लोग इस जो टैंकी सब बना रखा हमने, इस ड्रम को खाली करके खकोल के आ रहे हो कितना गंदा हो रहा है, तो अभी इसको खकोल के साफ करते हैं फिर इसमें हम पानी लगाएंगे भर जाएगा। तो यार गाइस खाना खा लिया और अभी टाइम जो है 12:50 हो रहा है, 1 बज गया है। अब थोड़ी देर सोएंगे क्या, थोड़ी एडिटिंग वगैरह जो भी कुछ करना है कर लेंगे यार, सो जाएंगे। तो यार गाइस 5 बज चुका है और अभी मैं नहा लिया हूँ तो अभी चलते हैं कपड़ा क्योंकि यार घर पर बहुत बोर हो गया, थोड़ा तो घूम लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़ा क्योंकि थोड़ा सामान भी लेना है क्योंकि यार यहाँ पर जो है कुछ सामान लेना तो या तो आपको कपड़ा जाना पड़ेगा या कठफुड़िया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़ा। तो मिलते हैं सीधे रोड पर यार, यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रखी मैंने।
तो यार गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़ा कपड़ा यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में है यार, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। कठपुड़िया भी ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों पर कठपुड़िया थोड़ा 3 किलोमीटर होगा, पर जो कपड़ा है 2 किलोमीटर है। तो यार गाइस हम लोग आ चुके हैं कपड़ा, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कपड़ा। क्या बच्चों, तो यार गाइस कपड़ा पे मैं एक बढ़िया लोकेशन में आ रखा हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। तो यार गाइस ये है कपड़ा, और ये देखो यार आप लोग को, ये आप लोगों ने बचपन में तो खाया होगा यार चापट, यार सबने ही खाया होगा। तो भाई अभी भी चापट मिलता है, पहले 1 रुपए का आता था, अभी 5 रुपए का बड़ा पैकेट आ रहा है भाई। तो अभी हम लोग लेके आए हैं चापट, तो अभी चापट खाएंगे यार थोड़ा। आप लोग भी कह रहे होंगे यार क्या बच्चों वाले चापड़ी। तो यार गाइस हम लोग कपड़ा से आ गए, तो अभी फटाफट घर चलते हैं, तो घर जाके मिलते हैं यार आपको। और अभी थोड़ा वॉक अपनी, तो भाई पूरी वॉक चल रही है इधर, क्योंकि यहाँ पर वॉक बढ़िया चल रही है, मोटे नहीं होने के, ऊपर नीचे पैदल बढ़िया मज़ा आ रहा है। आज दूसरा राउंड है ऊपर नीचे रोड से, तो आओ। तो यार गाइज मैं घर पहुंच चुका हूं, और टाइम अभी हो रहा है 6:55, 7 बजने वाले हैं, और ताई जी आराम से चाय पी रही है, ताऊ जी ड्यूटी से आ गए, और भाभी देखो खाना बना रही है। भाभी क्या बना रहे हैं आज? मिक्स वेज, आज हमारे घर में मिक्स वेज बन रहा है भाई। तो यार गाइज हाथ मुँह धो लिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, तो अभी अम्मा भी बागेश्वर से आ गई यार। अम्मा भी जैसे हम कपड़ा से आए तो पहुँच गए, अम्मा को थोड़ा थक लग गई है, अम्मा थक गई यार, अम्मा की वहाँ से कठपुड़े से पैदल पैदल आई है। और भाभी ने तो सब्जी बना ली, क्योंकि भाभी और ताऊ जी जो है चिकन नहीं खाते हैं, तो ताऊ जी अभी चिकन बना रहे हैं, और ताऊ जी का मसाला बनने लग गया है। तो यार यही है अपनी डेली लाइफ यार, और अब आराम से छत में बैठ रहेंगे, जब तक खाना खाएंगे छत में रहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं खाएंगे। गाँव में बिल्कुल मज़े हो रहे हैं यार, गाँव में देहरादून में बोरिंग हो जाता है, मतलब देहरादून में एक ही कमरे में रहो बस, कुछ नहीं उधर, पर अभी गाँव में जो है बहुत मज़ा आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा है यहाँ लॉकडाउन है, वैसे लॉकडाउन खुल गया होगा, जब तक आप वीडियो देखोगे तब तो भाई लॉकडाउन खुल चुका होगा। तो यार अभी टाइम 7:30 हो गया है, और यार गाँव में बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, अभी हमारा 8-8:30 बजे तक खाना बन जाएगा, तो 9 बजे हम खा लेंगे खाना, और उसके बाद भाई थोड़ी देर वीडियो वगैरह एडिट करेंगे इसको, और फिर सो जाएंगे, फिर अपनी डेली लाइफ यही है। और अब कल से जो है मुझे दूध लेने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दादी आ गई है, तो दादी दूध लेके आएगी, तो अब कल से हम आराम से 8-9 बजे उठेंगे यार। अब देखो यार हमारे शेफ चेंज हो गए हैं, ताऊ जी ने मसाला बनाया, अब ताई जी इसको आगे की कार्रवाई अब ताई जी करती है, ताऊ जी का काम सिर्फ मसाला बनाना है बस, और आगे की कार्रवाई सिर्फ ताई जी की है। ये देखो तो यार भाभी की रोटियां बनने लगी है, तो यहाँ लाइट थोड़ा कम है, ये देखो भाई ने कमरी लगा रखा टॉर्च अपने लगा रहे थोड़ा। तो यार गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो एंड शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज़ बायोटेक राइडर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।